तक पहुँचे हैं और आज करेंगे कैप्चर। थोड़ा सा बंदे नहीं बताएंगे यहाँ से आगे लेफ्ट, वो बंदे भी कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसा होता है आज का बड़ा पाव, ट्राई करते हैं। आने की लोकेशन भी है, यहाँ पर आ सकते हैं। ये अब स्किक रो है, यहाँ से एक गंदे की दुकान है, यहाँ से मुड़ेंगे। ये गली यहाँ पर सारी लोग यहाँ पर देखते हैं। चंद्रिका जी मिलती नहीं मिलती, फाइनली पहुँच गए। तो यहाँ भी काफ़ी क्राउड है नज़र आ रहा है, भीड़ पूरा। मुझे पहुँच गए फाइनली। काफ़ी ढूंढ के थोड़ा सा रिटर्न जा रहा हूँ। तो गुरु मार्केट है यहाँ पर, नाना प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। और जो है असली जो है यह है मुंबई का बड़ा पाव, जो काफ़ी फेमस है चंद्रिका सब आती है। काफ़ी लोग यहाँ मिलने भी आए हैं। असली मेहनत यहाँ है जो माता जी बना रही हैं यहाँ पर। तो देखिए किस प्रकार से माता जी यहाँ लगी हुई हैं, और अच्छा लगता है कि इस प्रकार से यहाँ पर। आज दिल्ली है शहर में, अभी हमें बम्बई का डिश मिल रहा है खाने को। तो माता जी लगी हुई है, अभी बहुत चीज़ें बन रही है पूरा। कहते हैं जिसके साथ माँ का हाथ होता है तो सारे कार्य सिद्ध होते हैं। तो यहाँ माता जी लगी हुई हैं और काफ़ी यहाँ क्राउड भीड़ भी है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ का। मैं तो काफ़ी दूर से लाया था, लेकिन मैं तो वापस जाने वाला था, लेकिन अच्छा हुआ यहाँ पे मिल गया। और आप भी आ सकते हैं यहाँ पे इजीली, जो कि आपको रास्ता दिख रहा सारा। तो थोड़ा सा रास्ते का भी रूबरू कराऊँ आपको, जो कि आप इजीली आ सको और यहाँ से बड़ा पाव खा सकें। जो बड़ा पाव की तरफ जा रही है, तो मैंने कैप्चर किया यहाँ पर आपको दिखाने के लिए कि किस प्रकार से यहाँ पर आ रहा है। इसलिए आपका रूट है और आगे पीछे दोनों तरफ से दिखाऊंगा किस प्रकार से आ रहा है आपने। और यहाँ पर पूरी स्टॉल लगी रहती है, यहाँ पर सारे स्टॉल वाले हैं, एक से एक स्टॉल मिलेंगे आपको। ये देखिए ओल्ड दिल्ली का भी यहाँ पर मिल रहा है, तो ठंडी यहाँ पर अच्छी है। तो सभी लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ स्टॉल है, यहाँ पर भीड़ रहती है हमेशा। पूरा दिखाऊंगा यहाँ पर किस प्रकार से ये मार्केट है पूरी आपको। और बहुत से लोग यहाँ मशहूर हैं, फेमस हैं, पूरी अपडेट करूँगा किस प्रकार से यहाँ पर सारी मार्केट लगती है पूरी, जो कि आप एक ही जगह ना हो सभी जगह लुत्फ उठा सको यहाँ पर। मोकल ओकल भी आप टेस्ट ले सकते हैं यहाँ पर। तो सारे यहाँ पहुँचे हैं, पूरा आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो सारे बड़ा पाव वाले यहाँ पर अब मशहूर हैं। कोई एडवांस पर है, कोई मुंबई से स्पेशल है, तो कुछ बहनें भी लगी हुई हैं यहाँ पर सेल करते। अच्छा लगा इस प्रकार से यहाँ पर एक पूरी मार्केट सी बन गई, और यहाँ पर हर चीज़ आपको मिलेगी आइटम खाने को, वड़ा पाव से लेकर या बर्गर चाउमिन जो भी आपको सब यहाँ मिलेगी। और खूबसूरत खूबसूरत महिलाएं यहाँ पर काम कर रही हैं। ये एक लगता है कि लेडीज़ मार्केट बन चुकी है, जिस तरह से यहाँ पर सारी महिलाएं काम करती नजर आ रही है। और एक बहुत अच्छा यहाँ पर लग रहा है सिस्टर, भाई सिस्टर करने वाले क्या, सिस्टर आप क्या करने वाले बताएंगे जरा साहब थोड़ा सा। अच्छा आज फ्रूट चार्ज सबको खिलाने वाले हो यहाँ पर, तो अभी कैसा चल रहा है यहाँ का आपका? बहुत अच्छा, लास्ट 5 से 6 डेज हो गए हैं। अच्छा तो अच्छा आ रहा है, मतलब जो भी है फ्रूट काफ़ी अच्छा है। देखो काफ़ी अच्छा कर रही है, फ्रूट का पोटिस मिल रहा है, जैसे आजकल नवरात्रि उसके हिसाब से। तो आपने बहुत अच्छा कर रखा है वैसे फ्रूट। तो अभी बहुत सी चीज़ें हैं, आप कितने टाइम से दीदी यहाँ कर रही है वैसे कुछ बताएंगे?
तो कैसे अच्छा है मतलब यहाँ से? क्या बात है भैया, रिस्पॉन्स मैं चाहता हूँ कि ऐसी महिलाओं को सपोर्ट करते रहे आप लोग, और ज़्यादा से चाट भी खाएं क्योंकि चाट बहुत अच्छी है। और भी यहाँ पर काफ़ी लोग हैं आए हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि आपको दिखाता हूँ यहाँ जितने भी लोग हैं पाव भाजी लेकर और नाना प्रकार की चीज़ यहाँ पर अपडेट्स हो रही है आपको मैं यहाँ दिखाऊंगा। और यहाँ का क्राउड बहुत ज़्यादा आता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर दिन पर दिन यहाँ क्राउड बढ़ता रहा, दिन पर दिन यहाँ लोग आ भी जा रहे हैं बर्गर से लेकर हर चीज़ मिलेगी। और आपको यहाँ पर एक बहुत जो फेमस गर्ल है वो तो यहाँ पर आपको पता ही है, जो चंद्रिका गैरा दीक्षित, इसके नाम से काफ़ी यहाँ पर प्रसिद्ध हो चुका है। और बहुत माता बहनें भी हमारी बहनें लगी हुई हैं और बहुत से हैं लोग, किसकी बात हुई, किस सिद्धि विनायक वड़ ये भी है, तो यहाँ पर भी बहन बना रही है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस प्रकार से एक कोशिश एक प्रयास है लोगों का भी, तो चलिए और भी दिखाते हैं। भाई वहाँ पीछे वो भी बड़ा पाँव पर लगे पड़े हैं, देखिए किस प्रकार से। काफ़ी ढूंढने के बाद मैं तो अभी यहाँ से निराश होकर वापस जाने वाला था, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे, मुझे पता नहीं था, मैं तो आधे रास्ते से वापस जा रहा था, लेकिन किसी भाई ने बंधु ने बताया वहाँ पर वो कर रहे थे, तो खूब चिल्ला रहे थे भाई बड़ा पाव जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने कहा कि यार बता भी तो फिर कहाँ पे बड़ा पाव है, उधर बताया तो मैं पहुँच गया यहाँ पर। तो यहाँ देख रहे हैं काफ़ी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और एक अच्छा माहौल बना पड़ा है यहाँ पर बहुत शानदार, और जिस तरह से यहाँ बड़ा पाव मिल रहा है, एक माता बहनें जो है मिलकर यहाँ बना रही है खूब शानदार बड़ा पाव। ये है चंद्रिका जी, जो अभी थोड़ा बहुत टाइम मिला होगा इनको, तो ये इनका एक बहुत सादर में है। मैं चाहता हूँ आपको दिखाऊं किस प्रकार से हैं अपडेट, और पूरी क्राउड है यहाँ पर, इसका लुत्फ उठाते हैं, थोड़ा सा बातें करेंगे लोगों से, किस कैसा भाई कैसा है, अरे बहुत बढ़िया, या क्या कहोगे कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। तो यार लोगों को बोलो ना यार दोबारा, सभी लोग आए, मैं खा लूंगा, मैं तो लूंगा आके, मैं आयो इसीलिए, नहीं कोई बात नहीं आपकी प्लेट से भी खाएंगे, बिल्कुल आपकी प्लेट से नहीं, कोई बात नहीं, अनसब्सक्राइब भी चाहिए आप लोग, लेकिन यहाँ पर प्यार बरसना चाहिए भाई, है कि नहीं, अनसब्सक्राइब कर दो लेकिन यहाँ प्यार जरूर बरसना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सभी लोग आएंगे और काफी अच्छा मैं खाता हूँ इस तरह से, ये लोग खा रहे हैं, अभी कैसा लग रहा है बताएंगे, जैसा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अपना, बढ़िया स्वादिष्ट है भाई, ये माँ का हाथ का बना हुआ है खा रहा है क्या, तो स्वादिष्ट तो बनता ही है। तो इस तरह से देखिए किस प्रकार से है, काफ़ी बेहतरीन है यहाँ पर, और मैं चाहता हूँ काफ़ी लोग यहाँ परचेज भी करें, ले रहे भी खा रहे भी हैं, और आप मशहूर मुंबई का ये मशहूर बड़ा पाव है, तो आप यहाँ पर आके जितने भी लोगों ने अभी तक नहीं लिया है तो अभी तक खा सकते हैं यहाँ पर, और अभी हमारे भाई बंधु भी खा रहे हैं, और काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, और जिस हिसाब से दिखाए यहाँ माता जी लगे हुए हैं बहुत जोर शोर से, पूरी इनका पूरी टीम्स हैं, जो बिना टीम्स के काम नहीं है, तो पूरी टीम काम कर रही है, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं इसका लुत्फ उठा रहे हैं। तो हमारी सिस्टर है जो यहाँ पर है अभी बातें कर रही हैं, चलिए भी करते हैं यहाँ का भी आनंद लेते हैं, हमारे भैया भी ये भी हैं, तो चंद्रिका जी का ये है जो स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पर, और काफ़ी मशहूर हो चुके चंद्रिका, काफ़ी लोग यहाँ आ रहे हैं, अभी भीड़ पे भीड़ नज़र आ रही है क्योंकि तो क्राउड बढ़ता जा रहा है, थोड़ी दिक्कतों का सामना जरूर किया था स्टार्टिंग में, बाद में धीमे धीमे करके सब सही होता है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जो कोशिश करते हैं उनको सफलता जरूर मिलती है, जिस प्रकार से उन्होंने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी लोगों के साथ सामना करना पड़ा, दुख का भी सामना करना पड़ा, लेकिन आज एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी और बहुत अच्छा मौका मिला है इनको, और आज कर रहे हैं काफ़ी लोग, यहाँ क्राउड नज़र आ रहा है, मैं यहाँ की एक मार्केट सी बन चुकी है, ये बहुत शानदार मार्केट है, और यहाँ पर आ सकते हैं आप खाने, और चंद्रिका दीदी देखिए वहाँ पर सामने कर रही हैं, तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर क्राउड धीमे धीमे बढ़ रहा है, जैसे शाम को 4:30 बजे लगती है, उसके बाद चीज़ मिलती है। चलिए बड़ा पाव की जो कह रहे हैं यहाँ पर लोग खा रहे, काफ़ी लोग भीड़ भड़े हैं, और चंद्रा गया यहाँ पर करी सबको बड़ा पाव दे रही है, और मैंने कहा कि ना यार मैं तो आधे रास्ते से सोच रहा था जाने वाला था, लेकिन एक भैया थे एक बंधु थे जो हमारे को बताया कि यहाँ पर थोड़ी सी आगे जाओगे तो लेफ्ट हो गए, क्योंकि तो काफ़ी दूर था, काफ़ी भटकता रहा, तो मैंने अपना गूगल मैप का थोड़ा सा वो किया, गुरु का इस्तेमाल किया, तो उसे मुझे सही जगह पहुँचा थोड़ा बहुत, और कुछ लोगों ने भी बताया अच्छी बात है, और जिस प्रकार से यहाँ पर काफ़ी क्राउड धीमे धीमे क्राउड बढ़ रहा है, क्योंकि टाइमिंग हुआ है, तो टाइमिंग जिस से रात होगी तो काफ़ी लोग यहाँ आएंगे, और देखने को मिलने वाला है काफ़ी चीज़ यहाँ पर, और खाने को मिलना है बड़ा पाव, चलते हैं थोड़ा सा टेस्ट लेते हैं बड़े पाव का, किस प्रकार का बड़ा पाव है, काफ़ी तारीफ लोगों ने की है, तो हम भी इस तारीफ का लुत्फ उठाएं और काफ़ी आनंद लें, और ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए उसका। काफ़ी अच्छा नेचर लगा माता जी का मेरे को, और जिस प्रकार से हम मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, इस उम्र में भी अगर ये मेहनत कर रही है तो हम लोगों को एक प्रेरणा मिलती है, तो भैया आप लोग जरूर सीखें इनसे, और यहाँ पर सभी लोग चाहते हैं कि अपने बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन भाई जिनके हाथ में जिनके साथ माँ का साथ हो तो पॉसिबल हो उसका तो अलग ही स्वाद होता है, और मैं भी चाहता हूँ जितनी माता यहाँ लगता है, एक माता नहीं हमारी यहाँ दूसरी माता भी लगी हुई है, जरा दिखाते हैं वो भी, यहाँ देखिए Thank you.
क्राउड भी नज़र आ रहा है यहाँ पर, काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी लोग हैं यहाँ पर आए हुए। और आज बड़ा पाव खाने वाले भी यहाँ पर सारे लोग, काफ़ी धीमे धीमे बड़ा चौक टाइम होता जा रहा है तो लोग क्राउड तो नज़र ही आता भाई। जिस वजह से जहाँ अच्छा सा स्वाद होता है वहाँ क्राउड जरूरी होता है। और अभी इस चंद्रिका देवी चली गई हैं तो अजंता के लिए कैप्चर लिया जाता है। पब्लिक का भी हम थोड़ा सा सोचेंगे, थोड़ा रिव्यू लें। और जिस प्रकार से यहाँ पर सर बताएंगे कैसा लगा अभी आपका बड़ा पाव, बताएंगे जैसा कैसा एक्सपीरियंस है आपका? मतलब ठीक, अभी पहला दिन खाया सर, और भी दिन से खा रहे हैं अभी दूसरी बार, तो आज ज़्यादा टेस्ट नहीं है मतलब पहले से ही? यहाँ पे कैसा है? मज़ा नहीं आया आज, मज़ा नहीं आया है, आगे वैरायटी बहुत आ गई है। हाँ सब आ गया, अगर एक वैरायटी होती तो ज़्यादा मज़ा आता इसका है। टेस्ट बढ़िया, टेस्ट बढ़िया, लेकिन मतलब बम्बई का स्वाद दे रहा है यहाँ पे, है काफ़ी अच्छा है। तो इसी मेहनत करते रहेंगे और काफ़ी लोग यहाँ पर, और धीमे धीमे टेस्ट भी जरूर आएगा, ऐसी बात नहीं, क्योंकि ज़्यादा लोग हो गए तो यहाँ पर थोड़ा सा टेस्ट को जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सभी लोग बेस्ट ही हैं यहाँ पर। मैं ये नहीं कहता कि कोई वो है, तो जिसका स्वादिष्ट होगा उसके पास भीड़ जरूर होगी, ऐसी बात नहीं है। पब्लिक का यहाँ रिव्यू देखते हुए भी देख रहे हैं, बहुत से लोग जाते जाते हुए देख रहे हैं यहाँ पर किस प्रकार से, तो पब्लिक आके भी रुक रही है यहाँ पर शायद पड़ा भाव। बन गया लोगों का कि चलते हैं चंद्रिका जी के स्टॉल पर, तो देख रहे हैं तो अच्छा लगता है कि जिस तरह से भाई लोगों की नज़र ऐसी होनी चाहिए जो रुकी नहीं चाहिए, और बंदे हंसते हंसते आने चाहिए और हंसते हंसते खा के जाने चाहिए यहाँ पर। और पब्लिक जितनी भी जाती है यहाँ पर एक ही अच्छा रिव्यू चाहता हूँ कि जिस तरह से चंद्रिका दीदी ने तभी यहाँ पर काम किया है, काफ़ी एक नाम कमाने के लिए काफ़ी उन्होंने संघर्ष भी किया काफ़ी, और लोगों के साथ लड़ा भी है, तो उसमें उनकी जीत हुई है। मैं चाहता हूँ ऐसी ही जीत हर इंसान की हो, और हर इंसान जितना भी मेहनत करने वाले हो वो कामयाब रहें। और ये भी एक भाई अच्छा चीज़ है जो आज हमें यहाँ दिल्ली जैसे शहर में बड़ा पाव खाने को मिल रहा है, और स्वादिष्ट बड़ा पाव, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोगों ने अपना बड़ा पाव की यहाँ से लगा दिया। और देखिए चलते हुए पब्लिक भी यहाँ पर देख रही है, वहाँ पर देखिए अंकल जी भी जाते हुए देख रहे हैं कि बड़ा पाव एक बार टेस्ट जरूर करें, तो भाई बंधु भी आ रहे हैं और देखिए किस प्रकार से चलते हैं। तो देख रहे यही हमें चाहिए बंदे के पास, यही प्यार चाहिए, सपोर्ट यही चाहिए सब लोगों का। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, अब हमें जाना वैसे ही बहुत दूर है, और जिसके लिए हम आए थे उसका थोड़ा बहुत हमने कर लिया कैप्चर, और ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, खत्म करते हैं और मिलेंगे फिर बहुत अच्छे के दिखा देंगे, अभी और भी अपडेट करने वाले हम। मैं आया था यहाँ पर और एक बोर्ड आपको देख रहे हैं KTM करके है, स्कूल है, तो वहाँ से सामने भी आपको नजर आएगा बोर्ड, और बहुत चीज़ आपको देखने को मिलेगी यार, यहीं से आप आ सकते हैं बड़ा पाव खाने, और सामने आपको मिल जाता है एक स्कूल जो ये स्कूल है, और आपको देख रहे हैं। चलिए ज़्यादा बातें करते हैं, यहाँ पर स्कूल में करते हैं, काफ़ी क्राउड यहाँ पर आता है, और भी हमें जगह जानी है, अभी काफ़ी कैप्चर करेंगे और काफ़ी लोगों को अभी हमें करना है प्रमोट, तो थैंक यू सो मच आप।